गेहूं खरीद की मंडली समीक्षा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बोरे की उठान का रिपोर्ट संतोषजनक न होने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर देवरिया के जिला पूर्ति अधिकारी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। साथ ही सबसे कम खरीद करने वाले मंडल में क्रय केंद्रों को प्रभारियों का वेतन रोकते हुए एजेंसियों के मंडलीय अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अपर जिलाधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीद के लिए सत्यापन के लिए जो भी खतौनियां तहसील स्तर पर अवशेष हैं उसका तत्काल सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी क्रय एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि मंडल के लक्ष्य से कम उठान न हो, यदि ऐसा हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हमारे मार्गदर्शी और जो भी हैं ये देखिए इनको आप थोड़ा सा दिन की बात सुनते हैं ना, वो 1000 रुपए की धूप में फ्लायर लगाने को तैयार है। इस 556 क्रय केंद्रों पर सर 396000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष सर 22/5/2020 तक 126278 मीट्रिक टन की खरीद, ये लक्ष्य का सर 21.89% है सर। गत वर्ष से काफी कम है सर, इस बार खरीद शुरू में सर थोड़ा बोरे वगैरह की वजह से रुकी हुई थी सर, बाद में थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है सर। कुल 43,589 क्रिस्पों का पंजीकरण हुआ है सर, जिसमें से 109,223 गाँटों में से 66,556 गाँटों का सर सत्यापन हुआ है, 7,683 गाँटों का सत्यापन अभी शेष है सर। क्रिस्पों का रही है तो वहाँ कांटे बढ़ा दिए जाए सर, तो वहाँ 21 केंद्रों पर 2-2 कांटे बढ़ा दिए गए हैं। खाद्यान्न महोदय द्वारा मंडल का सर 5,500 पर डे धान खरीद का गेहूँ खरीद का लक्ष्य दिया गया है सर, जिसमें से चारों जनपदों को सर क्रमशः गोरखपुर में 1632 मीट्रिक टन, महाराजगंज में 1785 मीट्रिक टन, देवरिया में 1180 मीट्रिक टन, कुशीनगर में 903 मीट्रिक टन प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया है सर। ये प्रतिदिन का सर उपलब्धि करनी है, ये सब जो कांटे पठाए गए हैं सर अब तो अब नहीं संभव है सर, लेकिन प्रयास यही है सर कि अधिक से अधिक जितना कर सके। ये जो प्रतिदिन का लक्ष्य है इससे क्या होगा, इससे कितना परसेंट हो जाए? इससे सर हम करीब 80% के आसपास पहुंचेगा अगर हम हमारी जितनी खरीद सर अभी बची हुई है। हाइडल्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ये कह रही है कि किसान जो है क्राइसिस की वजह से मार्केट में अपना गेहूं कम ला रहा है। इसलिए समझ लो सर, मैंने पहले खुद ही खा लेगा दोनों की समस्या रही मेल जो मटेरियल के समय रेट को कुछ लोग ठीक नहीं मिल रहा है, वो उसमें रुचि नहीं ले रहा है। मैं उसके अंदर तक जाओ देवा में मिलेगा तो खाली पड़ा हुआ सामान ही आ रहा है, उसने क्रय किया है लेकिन बोले भी नहीं थे उसके पास। बोरों की सर कमी रही है, बीच में 10-10 दिन बोरे पीसीएफ पे नहीं रहे हैं सर,